फेमस। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबने 14, 15 और 13 तारीख को मकर संक्रांति मना ली, यानी कि उत्तरायण भी मना लिया। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से भारत के प्रांतों में कैसे कैसे सेलिब्रेट होती है, और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको अपने मैंने जहाँ पे जो जैसे मनाया है वो बताऊंगी, और साथ में कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहे। शुरू करते हैं साउथ से। साउथ में तमिलनाडु में लोग इसे पोंगल कहते हैं। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम होता है, जिसमें वे लोग तरह तरह से अलग अलग चीज़ों की पूजा करते हैं। वहीं अगर आप गुजरात की तरफ देखें, गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के पर्व पे। और आपको बता दें कि गुजरात में जो पर्यटन विभाग है वो हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग उड़ाने का क्या रखता है, कॉन्टेस्ट रखता है। अब हम पंजाब को मैं लास्ट में बताऊंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको उत्तरायण कहते हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में खिचड़ी खाने की त्यौहार, खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन वहाँ के लोग खिचड़ी खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। अब ये वाली जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और नीचे वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, वहाँ मकर संक्रांति के समय मेले लगते हैं। जैसा कि अभी भी कुंभ का मेला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग गंगा स्नान करते हैं, और ये आपको मैं पिछले कुछ वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि लोग गंगा जल के पानी से स्नान करते हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। असम, जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहाँ बिहू मनता है, और माघ बिहू भी कहते हैं इसे, और इसके बारे में भी हम चर्चा फिर से एंड में करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोग चावल के आटे से मग्गू बनाते हैं। अब मग्गू को आप किसी भी रंगोली के जैसा कह सकते हैं, पर उसका अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। वहीं महाराष्ट्र में जो होते हैं औरतें, वो एक दूसरे के घर हल्दी और कुमकुम लेके जाती हैं, और साथ में तिल गुड़ के साथ कुछ मीठा, मतलब कुमकुम और हल्दी के साथ कुछ मीठा लेके जाती हैं और एक दूसरे के साथ मिल बांटती। अब मैं अंत की तरफ चलती हूँ। अंत में मैंने जैसा कि आपको बताया, पंजाब में और हरियाणा में लोग लोहड़ी मनाते हैं। अपने जैसा कि आप सबको पता है, लोहड़ी पे अग्निदेव की पूजा होती है। उसमें हम तिल गुड़ 5 चीज़ें डालते हैं, उनको अर्पण करते हैं। अब हमने कैसे मनाई उसकी एक क्लिपिंग देखिए। अब मैं बात आपको करती हूँ माघ बिहू की। माघ बिहू में लोग तिल पिठा, मतलब आपको असम में लोग इसे बनाते हैं कि नई फसल आई है तो उसको खाएंगे। तो जो पहला दिन होता है उनका बिहू के बाद, जैसे रात को मेजी जला दी, उसके अगले दिन उरु का भात होता है। सुबह सुबह सब मिलजुल कर एक साथ नई फसल के खाना खाते। उसके मेन अट्रैक्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो तिल पिठा, नारिकोल पिठा वगैरह वगैरह है, जो मैं आपको अगली इमेज में दिखाती हूँ। अच्छी लगी ना थाली? कभी जाइएगा नॉर्थ ईस्ट बिहू के समय, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।